हेलो फ्रेंड्स, वेरी मोस्ट वेलकम टू सूर्यमाल लर्निंग। स्वागत है आप सभी का सूर्यमाल लर्निंग में। अपने इस वीडियो में हम इंडिया के प्रेसिडेंट्स के बारे में जानेंगे। अभी तक कितने नंबर ऑफ प्रेसिडेंट्स रहे हैं, उनका कार्यकाल क्या था या उन्होंने अपने टाइम पर क्या क्या काम किए और उन्हें कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं, या उनकी लाइफ के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट चीजें होंगी जो एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट होगा वो हम सब इसमें देखेंगे। ये काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिस भी एग्जाम में जीके आता है उसमें इससे क्वेश्चंस जरूर आते हैं, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे जल्दी पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडिया के प्रेसिडेंट्स। तो देखिए, ये मैप है, ये मैंने इंटरनेट से लिया है, आप भी ले सकते हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंट थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये सबसे ज्यादा टाइम तक रहने वाले प्रेसिडेंट रहे थे। उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन, देन जाकिर हुसैन थर्ड, फिर ये एक्टिंग प्रेसिडेंट थे बीबी गिरी बारागिरी और मोहम्मद हिदायतुल्ला। इनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे अभी हम। और उसके बाद बीबी गिरी हमारे प्रेसिडेंट बने, फिर उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद, फिर बसप्पा दानप्पा जत्ती, ये हमारे एक्टिंग प्रेसिडेंट बने। इस तरह से ये सब प्रेसिडेंट थे हमारे। और जो ये साइन है ब्लू, ये INC मतलब कांग्रेस के लिए है, और ये है JP जनता पार्टी के लिए, ये BJP के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए, और ये इंडिपेंडेंट के लिए। बाकी ये है एक्टिंग प्रेसिडेंट के लिए। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल था 1950 से लेके 1962 तक, मतलब ये 12 साल तक राष्ट्रपति रहे और सबसे ज्यादा लंबे टाइम तक ये राष्ट्रपति रहे थे। और इन्होंने 1962 में इन्हें भारत रत्न मिला था। इसके अलावा ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे, ये फ्रीडम फाइटर थे और ये कांग्रेस पार्टी से थे। इसके अलावा उन्होंने अपना कार्यकाल सबसे ज्यादा पूरा किया, ये बिहार से थे, ये पहले राष्ट्रपति थे। अगर आपसे पूछा जाए पहले राष्ट्रपति कौन थे तो राजेंद्र प्रसाद, ये बिहार से थे। इसके अलावा सबसे ज्यादा टाइम तक अपना काम करने वाले अभी तक के राष्ट्रपति तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके टाइम पर जो उपराष्ट्रपति थे वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इनके बारे में इतना ही। नेक्स्ट चलते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कार्यकाल वही 5 साल का था, 1962 से लेके 67 तक 5 साल इनका कार्यकाल था। और ये ऐसे राष्ट्रपति थे जो पहले उपराष्ट्रपति थे, मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे पहले कौन से राष्ट्रपति थे जो उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं तो वो होगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इन्हें 1954 में भारत रत्न मिला था, और 1954 में भारत रत्न मिला था जब ये राष्ट्रपति नहीं थे, उससे पहले इन्हें भारत रत्न मिल चुका था। इंडिपेंडेंटली लड़े थे, इंडिपेंडेंट जैसे कि मतलब राष्ट्रपति के लिए जो इलेक्शंस होते हैं तो उसमें तो इंडिपेंडेंटली ही लड़ सकते हैं इलेक्शंस में, बट अगर आप पहले किसी पार्टी से हैं तो ये बोला जाता है कि मतलब ये इस पार्टी से थे, और उसके लिए वो रेजिग्नेशन लेटर देते हैं पहले उस पार्टी से, उसके बाद एक आम इंसान की तरह चुनाव लड़ते हैं। लेकिन ये पहले उपराष्ट्रपति थे तो ऑलरेडी रेजिग्नेशन दे चुके थे, तो उसके बाद जब ये इलेक्शंस जब इन्होंने लड़े तो ये इंडिपेंडेंट थे और इन्हें भारत रत्न दिया गया था। इसके अलावा ये वाइस चांसलर थे आंध्रा यूनिवर्सिटी के और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा चुके थे, और इसी वजह से इनकी याद में 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। मैं जो भी बातें एक्स्ट्रा बोलती जा रही हूँ उसे आप नोट करते जाइए, क्योंकि बाद में जिसे भूलें ना आप, और भूलें तो वहां से पढ़ लें। तो ये इन्हें भारत रत्न मिल चुका था, और ये साउथ इंडिया से थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि साउथ इंडिया से सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन थे तो वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, क्योंकि फर्स्ट जो थे वो तो बिहार से थे, तो ये साउथ इंडिया से थे। नेक्स्ट चलते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। अच्छा, इनके टाइम पर डॉक्टर जाकिर हुसैन उपराष्ट्रपति थे, तो बाद में डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बन गए। तो इनका कार्यकाल था 1967 से लेके 69 तक। देखिए, इनका कार्यकाल काफी कम था, तो क्यों? क्योंकि इनके ऑफिस के टाइम पर ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इन्होंने करीब 24 महीने काम किया था, और ये भी इंडिपेंडेंट थे क्योंकि ये भी पहले उपराष्ट्रपति रह चुके थे, और इन्हें पद्म विभूषण भी मिला था, भारत रत्न भी इन्हें मिला था, और ये वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, और इनकी ऑफिस के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। इनके टाइम पर बीवी गिरी कारवाह राष्ट्रपति बनाए गए। क्या होता है कि राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रहता, अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई तो उस टाइम पर उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति या कारवाह या एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया जाता है।
तो उस टाइम पर बीवी गिरी जो उपराष्ट्रपति थे उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया। और फिर बाद में बीवी गिरी को भी इसके लिए इलेक्शन में पार्ट लेना था। राष्ट्रपति के जो इलेक्शन होते हैं 6 महीने के अंदर नया राष्ट्रपति बनाना होता है, तो उसके लिए इलेक्शन में भाग लेना था। तो क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्ला, उन्होंने वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए। देखिए कार्यवाहक राष्ट्रपति को सारी राष्ट्रपति की पावर होती है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ नाम के लिए है, उसे सारी पावर्स होती हैं जो राष्ट्रपति की होती हैं। उसे सैलरी भी वही दी जाती है जो राष्ट्रपति की सैलरी होती है। तो इनके टाइम पर क्या हुआ, पहले बीवी गिरी बने और फिर उसके बाद मोहम्मद हिदायतुल्ला, दो एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे इनके बीच में। और ये जाकिर हुसैन जो थे वो मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे ये, और ये ऐसे पहले प्रेसिडेंट थे जिनकी काम के दौरान अपने ऑफिस वर्क में ही इनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट से हमारे बीवी गिरी, बीवी गिरी ये एक्टिंग प्रेसिडेंट भी रह चुके थे और फिर प्रेसिडेंट थे। बीवी गिरी का कार्यकाल 69 से लेके 74 तक था। और इनके टाइम पे क्या हुआ था कि मतगणना दूसरी बार करनी पड़ी थी और ये इन्हें कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था, बट ये इंडिपेंडेंटली लड़े थे। इन्होंने बोला था कि नहीं मुझे इंडिपेंडेंटली ही जीतना है, तो ये इंडिपेंडेंट थे, कांग्रेस से नहीं थे ये। और इन्हें 1975 में भारत रत्न दिया गया था, 1975 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। ये काफी इम्पोर्टेंट है, जब ऐसे कोई अवार्ड की बात होती है तो वो काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम में आने के लिए। नेक्स्ट है हमारे फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद जो थे इनका कार्यकाल था 24 अगस्त 1974 से लेके 77 तक, 74 से 77, वही 5 साल। ये पांचवे राष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति थे जिनकी पद रहते ही मृत्यु हो गई, मतलब कि ये भी ऑफिस टाइम में ही इनकी डेथ हो गई थी। और इनकी मृत्यु के बाद में बी डी जत्ती को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया, क्योंकि इस टाइम ये उपराष्ट्रपति थे तो इन्हें राष्ट्रपति का पद मिल गया। तो बी डी जत्ती इस टाइम पर उपराष्ट्रपति थे। और ये इसके बाद आते हैं नीलम संजीवा रेड्डी, नीलम संजीवा रेड्डी हमारे 6 नंबर के प्रेसिडेंट थे, और एक्टिंग प्रेसिडेंट को मिला लिया जाए तो फिर इनका नंबर 7th 8th आ जाता है। वैसे ये 6 नंबर के प्रेसिडेंट थे, और सॉरी 9th आ जाता है, 3 एक्टिंग प्रेसिडेंट बन चुके हैं अभी तक। तो ये थे, ये 25 जुलाई 1977 से लेके 1982 तक इनका कार्यकाल था। ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे इससे पहले, और एक बार चुनाव हार गए थे और दूसरी बार इन्होंने लड़ा, तो फिर पहले एक निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे, ये इम्पोर्टेंट है, पहले एक निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे ये नीलम संजीवा रेड्डी। इसके बाद आते हैं ज्ञानी जेल सिंह, ये 7th नंबर के राष्ट्रपति थे, यानी जेल सिंह, इनका कार्यकाल था 1982 से 87 तक, 5 साल का। इसके बाद ये पहले सिख राष्ट्रपति थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये पहले सिख राष्ट्रपति थे, और पंजाब के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे और केंद्र में ये मंत्री भी रह चुके थे इससे पहले, ये कांग्रेस से थे। और इसके अलावा ये इन्होंने फर्स्ट टाइम वीटो पावर यूज किया था, वीटो पावर आर्टिकल 111 में ये प्रावधान है कि राष्ट्रपति चाहे तो एक पॉकेट पावर यूज कर सकता है, जिससे कोई भी अगर उसे अध्यादेश जारी करना है या किस तो उस पर वो साइन ना करके उसका कोई आंसर ही ना करे, ये उसके पास पावर होती है। तो इन्होंने वीटो पावर यूज किया था फर्स्ट टाइम, तो ये थे। और इसके अलावा नेक्स्ट आते हैं हमारे आर वेंकट रमन, आर वेंकट रमन का कार्यकाल था 25 जुलाई 1987 से लेकर 1992 तक, इनका कार्यकाल 5 साल का ही था। आर वेंकट रमन ने सर्वाधिक प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाई थी, मतलब इनके टाइम पे सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री बने, और क्योंकि उस टाइम पे सरकारें चेंज हो रही थी तो इस वजह से प्रधानमंत्री इनके टाइम पे सबसे ज्यादा बने। और 1984-87 में भी वो उपराष्ट्रपति भी रह चुके थे, इससे पहले ही उपराष्ट्रपति रह चुके थे ज्ञानी जेल सिंह के टाइम पर। और ये कांग्रेस से थे। इसके अलावा 9th नंबर के थे हमारे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 25 जुलाई 1992 से 1997 तक राष्ट्रपति रहे थे, और ये एमपी से थे, और इससे पहले ये आंध्र प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र के गवर्नर भी रह चुके थे, आंध्र प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र के गवर्नर रह चुके थे, ये भी कांग्रेस से ही।
और ये मध्य प्रदेश के सीएम भी रह चुके थे। इनके टाइम पर के आर नारायणन इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट थे। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे 10th नंबर के आर नारायणन। बाद में के आर नारायणन राष्ट्रपति बन गए और इनका कार्यकाल था 25 जुलाई 1997 से 2002 तक, 5 साल तक ये थे। और ये पहले दलित राष्ट्रपति थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पहले दलित राष्ट्रपति थे और लोकसभा मतदान कराने वाले और राज्यसभा की विधानसभा को संबोधित करने वाले ये पहले राष्ट्रपति थे। और इनके टाइम पर कृष्णकांत उपराष्ट्रपति थे। और ये इसके अलावा ये इंडिया एम्बेसडर थे थाईलैंड, तुर्की, चाइना और यूनाइटेड स्टेट में। इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए इंडिया की ये एम्बेसडर थे इंडिया के। और इसके अलावा साइंस और लॉ में इन्होंने डॉक्टरेट किया था और काफी सारी यूनिवर्सिटीज के ये वाइस चांसलर थे। ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है उसकी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इससे क्वेश्चन आता है, दलित प्रेसिडेंट थे ये पहले। इसके अलावा नेक्स्ट हैं हमारे 11th नंबर के प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये मेरे फेवरेट और इनफैक्ट हम सबकी इंस्पिरेशन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये सिर्फ राष्ट्रपति ही नहीं थे, ये बहुत अच्छे इंसान थे, ये साइंटिस्ट थे और इनका कार्यकाल भी वही था 2002 से 2007 तक। और एपीजे अब्दुल कलाम एक वैज्ञानिक थे और उन्होंने सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले ये पहले राष्ट्रपति थे, सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले पहले राष्ट्रपति थे। और इनके टाइम पर जो अपोजिट पार्टी में थे वो थे कैप्टन लक्ष्मी सहगल और इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने काफी सारे जैसे कि रोहिणी उपग्रह, अग्नि और पृथ्वी मिसाइल, इन सबका सफल परीक्षण किया था। 1974 से लेकर 1998 तक इन्होंने परमाणु परीक्षण में काफी काम किया था इन्होंने। और इन्हें भारत रत्न मिला था 1997 में, इन्हें भारत रत्न मिला था। और इसके अलावा इनकी शिलोंग में डेथ हो गई थी, ये एक स्पीच दे रहे थे शिलोंग में, तो वहां पे इनकी डेथ हो गई थी। और इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, न्यूक्लियर वेपन्स के लिए इन्होंने काफी काम किया है। और ये 2015 में इनकी डेथ हो गई। इसके इनकी याद में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे मनाया जाता है, क्योंकि स्टूडेंट को बहुत ज्यादा प्यार करते थे, तो 15 अक्टूबर को स्टूडेंट्स डे के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये पहली महिला राष्ट्रपति थी और इनका कार्यकाल था 2002 से लेकर 2012 तक। और ये राष्ट्रपति बनने से पहले राजस्थान की राज्यपाल थी और राजस्थान की भी पहली राज्यपाल थी ये। और 1962 से लेकर 85 के दौरान इन्हें 5 बार महाराष्ट्र की विधानसभा सदस्य रह चुकी थी। ये लेटेस्ट मैं ही थी, अभी ज्यादा पुराना नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। बाकी ये तो याद करना ही है कि ये राजस्थान की महिला राज्यपाल थी, वो भी पहली, और हमारे इंडिया की फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट थी, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। और 1991 में इन्होंने अमरावती से लोकसभा चुनाव के लिए चुनी गई थी। और इनके जो अपोजिट साइड में थे वो थे भैरव सिंह शेखावत। नेक्स्ट आते हैं हमारे प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी 2012 से लेकर 17 तक ये इनका कार्यकाल था, 5 साल 60 महीने इनका कार्यकाल था। ये 13वें राष्ट्रपति थे और इनके जो अपोजिट पार्टी में थे वो थे पी ए संगमा इनके प्रतिद्वंदी थे। और मुखर्जी का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था और ये 1935 में इनका जन्म हुआ था, 11 दिसंबर 1935 को। और 1997 में सबसे सांसद का पुरस्कार मिला था इन्हें। और 2008 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा असैनिक सम्मान जो होता है पद्म विभूषण। देखिए तीन तरह के होते हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री, तो ये तीन में से इन्हें पद्म विभूषण मिला था। ये दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है, ये असैनिक मतलब कोई सैनिक नहीं है पर अच्छा काम करता है उसके लिए दिया जाता है पद्म विभूषण, इन्हें मिला था। और राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाले वह केंद्र सरकार के वित्त मंत्री, मतलब ये पहले फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं प्रणब मुखर्जी। इसके अलावा ये फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, डिफेंस मिनिस्टर भी थे, डिप्टी चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के, डिप्टी चेयरमैन थे, फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, काफी सारे पद पर रह चुके हैं ये। नेक्स्ट आते हैं जो अभी हमारे प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद। ये दूसरे दलित प्रेसिडेंट हैं और ये 1 अक्टूबर 1945 को इनका जन्म हुआ था।
और 20 जुलाई 2017 को ये 14वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं, ये करंट का क्वेश्चन है। और 25 जुलाई 2014 को इन्हें उच्चतम न्यायालय की मतलब सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं हमारे JS खेहर, उन्होंने इन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई थी। और राज्यसभा सदस्य, ये बिहार से राज्यसभा सदस्य के राज्यपाल रह चुके हैं। इसके अलावा इनका 5 साल का कार्यकाल है, अभी स्टार्ट हुआ है 20 जुलाई 2017 को। देखिए, प्रेसिडेंट को हमारा जो शपथ दिलाते हैं वो होते हैं हमारे सर्वोच्च न्यायालय के सबसे मुख्य न्यायाधीश मतलब सबसे बड़े न्यायाधीश, और अगर वो नहीं है तो कोई उनसे छोटे पद पर कोई भी है या उनके इक्वल पद पर तो वो दिलाता है। और ये न्यायाधीश को जो शपथ दिलाते हैं वो होते हैं हमारे, इस तरह से ये थे हमारे 14 राष्ट्रपति और 3 एक्टिंग प्रेसिडेंट थे यहाँ पे, 14 प्रेसिडेंट प्लस 3 एक्टिंग प्रेसिडेंट, 17 टोटल नंबर ऑफ प्रेसिडेंट्स अभी तक रह चुके हैं, तो ये थे। इसके अलावा यहाँ देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं पूरा कि 1950 से लेके ये इनका ये टाइमिंग दे रखा है, ये 62 तक थे, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, और फिर जाकिर हुसैन 70 तक, फिर 70 के बाद ये दोनों रह चुके थे एक्टिंग प्रेसिडेंट इसी बीच में, फिर यहाँ से जाकिर हुसैन बने। तो इस तरह से पूरा टाइमिंग दे रखा है आपको सारे राष्ट्रपति का, और इनका अभी स्टार्ट हुआ है 2017 में रामनाथ कोविंद का, ये दूसरे दलित हैं। और इसके अलावा यहाँ इम्पोर्टेंट चीजें कुछ डिस्कस कर लेते हैं, ये पहले राष्ट्रपति थे सबसे ज्यादा टाइम तक इन्होंने काम किया, और उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन टीचर्स डे इनकी याद में मनाया जाता है, और ये पहले उपराष्ट्रपति दूसरे राष्ट्रपति थे। जाकिर हुसैन ये तीसरे राष्ट्रपति थे, इसके बाद इनकी काम के दौरान ही मृत्यु हो गई थी, और इसके बाद एक्टिंग प्रेसिडेंट बने बीवी गिरी और मोहम्मद हिदायतुल्ला, ये हमारे उपराष्ट्रपति थे इनके टाइम पर, और ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, तो ये दोनों बने। उसके बाद फिर बीवी गिरी राष्ट्रपति बन गए, तो ये एक्टिंग प्रेसिडेंट भी थे और प्रेसिडेंट भी थे, और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो वो थे वीवी गिरी। फिर फखरुद्दीन अली अहमद बने, उसके बाद बीडी जत्ती बसपत दनपत जट्टी, ये इनकी भी डेथ काम के दौरान ही हो गई थी, तो फिर ये एक्टिंग प्रेसिडेंट बने। फिर इसके बाद जो बने नीलम संजीवा रेड्डी, इसके बाद ज्ञानी जेल सिंह, ये सिख थे, और आर वेंकट रमन ये बने इसके बाद। फिर शंकर दयाल शर्मा 9th नंबर के थे, ये MP से थे, और के आर नारायण 10th, फिर इसके बाद APJ अब्दुल कलाम, इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, और भारत रत्न भी इन्हें मिल चुका है, इन्हें भी भारत रत्न मिल चुका है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी। और ये फिर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, पहली महिला राष्ट्रपति थी ये। फिर प्रणब मुखर्जी, और उसके बाद अभी हैं दलित हैं ये रामनाथ कोविंद। ठीक है, तो ये है हमारे टोटल प्रेसिडेंट्स इंडिया के। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर लीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। एंड थैंक यू सो मच, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।